एपिसोड 194 ध्रुव ने ठुकराया अनन्या को। ठकुराइन ने जब सुमेर को हर तरीके से टालने की कोशिश की और सुमेर समझ गया कि ऐसे नहीं बताएंगी कि वो छलावा को क्यों रखना चाहती है और क्यों हवेली में नौकरी देना चाहती है, तब सुमेर ने एक इमोशनल दाव खेला। वो इमोशनल दाव जो शायद हर बच्चा अपने माता पिता के साथ करता है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सुमेर ने कहा, मैं समझता हूँ माँ, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। आपको अभी भी लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ जो इन चीजों को समझ सके। आपको लगता ही नहीं है कि मैं गंभीर जिम्मेदारियों को लेने और समझने लायक हूँ। खैर छोड़िए, आप मुझे नहीं बताना चाहती मत बताइए। जब आपको मुझ पर भरोसा हो और आपको लगे कि आपका बेटा उस लायक है जो आपकी जिम्मेदारियों को ले सकता है, तब बताइएगा। मैं हवेली जा रहा हूँ, आप आएंगी मेरे साथ या छलावा को लेकर ही सीधा कल आएंगी? सुमेर को इस तरह नाराज होता देख ठकुराइन हंसती हुई बोली, तुम किसी छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो सुमेर। सुमेर बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चलिए। और ठकुराइन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लड़का शारीरिक तौर पर बहुत मजबूत है, तुमने देखा नहीं? चोट लगने के बावजूद भी ये जिस फुर्ती से तैरा है और जीता है वो बहुत तारीफ के लायक है। और सिर्फ यही नहीं, जिसने उस छलावा पर वार किया था वो भी इसी की तरह बहुत ही चालाक और मजबूत है और बहुत फुर्तीला था। हमें उसकी भी जरूरत है, बल्कि मैं तो कहती हूँ इन लोगों की तरह और भी अगर कोई है तो उन सब की जरूरत है। सुमेर को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कहना क्या चाहती है और उसने पूछा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आज अचानक आपको इन लोगों से काम क्या है, ये तो बताइए, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा। और ये सुनकर ठकुराइन बोली, ये समझ लो कि ये लड़के हमारे लिए किसी चूहे से कम नहीं है। ये हमारे लिए चूहे, वैज्ञानिक के परीक्षण वाले चूहे, जिससे वैज्ञानिक अपने सारे परीक्षण करते हैं। तुमने सुना नहीं, मैंने इससे पहले उसके घर परिवार के बारे में पूछा है। ऐसे लड़के जिनके आगे पीछे कोई ना हो और इस तरीके के शारीरिक तौर पर बलवान हो, ऐसे लड़कों की हमें जरूरत है ताकि हम अपनी कुछ चीजों का परीक्षण कर सके। लेकिन सुमेर बिना कुछ बोले शक भरी सवालिया नजरों से अपनी माँ को घूर रहा था। ठकुराइन बोली, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। वक्त से पहले ही तुम्हें सब कुछ जानना होता है और फिर तुम समझते नहीं। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब मुझे बंजारन का वो बेटा मिल जाएगा और मैं अपनी तमाम शक्तियां वापस पालूंगी, तब बंजारन से लड़ने के लिए पहले इन लड़कों पर मुझे अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करके देखना होगा। क्योंकि तेज इच्छा शक्ति वाले लोग अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिन्हें हराने के लिए लड़ने के लिए अलौकिक शक्तियों की ही जरूरत पड़ती है। तो सामान्य इंसान ऐसे तेज इच्छा शक्ति वाले लोगों को नहीं हरा सकता। इस लड़के में मैंने देखा है वो सारे गुण जो एक बहुत ही तेज और मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति में होने चाहिए। इसे सुनकर सुमेर हैरानी से बोला, लेकिन माँ ऐसा करेंगे तो हम गांव वालों की नजरों में आ जाएंगे। हमारे पास हवेली में पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस बीच में हम इतने सारे लोगों को भरेंगे और फिर इनमें से किसी की भी मौत हो गई या कुछ हो गया तो फिर सबके शक के घेरे में तो हम ही आएंगे ना। ठकुराइन बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, इनमें से किसी की मौत नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी की मौत हुई भी तो भी मैं उसकी रूह को काले साम्राज्य को सौंप कर उसे अकाया में बदल दूंगी और फिर वो लोगों की नजर में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हाँ, लेकिन काले साम्राज्य के विस्तार में मेरी भूमिका से हो सकता है तुम्हें अकाया से बड़ा स्थान मिल जाए और भला हो जाए। इसीलिए इस लड़के को तैयार करो कि हमारे साथ आ जाए, ताकि हमें जब इसकी जरूरत पड़े तब हम इसका इस्तेमाल कर सके। सुमेर बिना कुछ पूछे बोला, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, आप चलिए। और फिर ठकुराइन सुमेर के साथ हवेली की तरफ लौट गई। साथ ही साथ इधर ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता हुआ घर लौटने की तैयारी में था। वापस लौटते हुए विक्की ने पूछा, ध्रुव तूने सीसीटीवी कैमरास कहाँ कहाँ लगवाए हैं? ध्रुव बोला, घर चल, चलकर कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, तुझे समझ में आ जाएगा। वैसे भी हमें तसल्ली से रिकॉर्डिंग बैठकर देखनी होगी, तभी हमें अंदाजा होगा कि ठकुराइन ने क्या क्या किया था, क्योंकि हम उस पर लगातार तो नजर बनाए नहीं रख पा रहे हैं, हमें और भी चीजें देखनी पड़ती है। ध्रुव की बात पर तारा बोली, सच बताऊं विक्की और ध्रुव, तो जिस तरीके से आज ठकुराइन आई थी छलावा की तरफ, मुझे तो लगा था जैसे कि ये पता तो नहीं चल गया है कुछ, और ये छलावा को ऐसे क्यों देख रही है? एक बार के लिए तो मेरी जान हथेली में आ गई थी। तारा की बात पर विक्की बोला, तुम सही कह रही हो तारा, हाथ पैर तो मेरे भी फूलने लगे थे, लेकिन उसने जिस तरीके से छलावा को काम के लिए बोला तब जाकर मेरी जान में जान आई।
लेकिन मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि उन्होंने छलावा को क्यों काम देने की बात की। इन दोनों की बात सुनकर छलावा ने कहा, तुम दोनों तो ये सोच रहे हो कि वो मेरे तक आई क्यों और उसने मुझे काम देने की बात क्यों की, लेकिन मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अगर मुझे जबरदस्ती वहाँ काम करना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, हर वक्त उन लोगों के इर्द गिर्द कैसे रहूंगा मैं। ध्रुव ने छलावा को समझाया कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा क्योंकि सुमेर खुद नहीं चाहेगा कि उसके दोस्तों में से कोई भी उनके इर्द गिर्द रहे। ध्रुव इतनी अच्छी तरीके से समझ चुका था सुमेर को। ध्रुव की बात पर भरोसा करके छलावा को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। ध्रुव और बाकी सब जहाँ छलावा को हवेली से बचाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ अनन्या का दिमाग चेरी और सुमेर पर अटका हुआ था। अनन्या कहीं ना कहीं खुश थी कि सुमेर बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है और अनन्या से नाराज रहने लगा है। हालांकि उसने कभी ऐसा दिखाया नहीं, लेकिन जिस तरीके से आज बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ऐसा ही लग रहा था कि शायद अनन्या का प्लान काम कर रहा है। पाली में अभी ऐसी सिचुएशन थी कि ध्रुव और बाकी सबको लग रहा था कि उनका प्लान बहुत सही है और वो काम कर रहा है। अनन्या को लग रहा था कि उसका प्लान बहुत सही है और उसका प्लान जैसा वो सोच रही है वैसा ही चलेगा और सब ठीक हो जाएगा। और ठाकुरायन को लग रहा था कि वो जिस हिसाब से बंजारन को धोखा देकर ये दिखावा कर रही है कि वो उसका काम कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी ही प्लानिंग पर काम कर रही है, वो निशाने पर बैठेगा। और दूसरी तरफ उसका बेटा था सुमेर, जो बंजारन के साथ साथ अपनी माँ के साथ भी गेम्स प्लान कर रहा था। हालांकि वो अपनी माँ को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद अपनी माँ से ज्यादा वो सही समझ रहा है इन सारे मामलों को और वो जैसा चाह रहा है वैसा ही आगे जाकर होगा। कुल मिलाकर मतलब ये था कि हर किसी को अपने पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि सबने बंजारन और उसकी शक्तियों को कहीं ना कहीं कम आंकना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं इंसान जो सोचता है वैसा नहीं होता, वो उसकी प्लानिंग जहां तक पहुंचती है शायद उसके दुश्मन की प्लानिंग वहीं से शुरू होती है। अब देखना ये था कि किसकी प्लानिंग रंग लाएगी और आगे जाकर सक्सेस होगी, क्योंकि प्लानिंग किसी की भी सक्सेस हो टारगेट तो बंजारन ही होनी है। उस दिन सुबह से शाम तक कई बार मेले का चक्कर लगा, मौज मस्ती हुई और आखिरकार थक हार कर शाम को सब घर लौट आए। रास्ते में लौटते हुए सजनी ने पूछा, हम बहुत थक गए हैं, तुम लोगों के लिए खिचड़ी बना दें? और तारा बोली, नहीं सजनी, उसकी जरूरत नहीं है, तुम भी थकी हुई हो, अपने घर जाओ, तुम्हारे यहाँ भी गेस्ट आए हुए हैं, तुम अपने घर जाकर अपने मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड करो, रेस्ट करो, हमने इतना सारा कुछ मेले में खा लिया है ना कि अब किसी को भूख नहीं है, तो हम तो कुछ खाएंगे नहीं, क्यों तुम लोग क्या कहते हो? और बाकी सब ने तारा की हाँ में हाँ मिलाया और विकी बोला, मैंने तो इतना ज्यादा खा लिया है कि मुझे लग रहा है कि इस स्पीड से अगर मैंने 3-4 दिन तक जब तक मेला है तब तक और खाया ना, मैं गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगूंगा। और विकी की बात पर सब हंस पड़े और अनन्या बोली, वाकई में इतना बढ़िया यहाँ पर सब कुछ बना था ना, मतलब हर स्टॉल की अपनी स्पेशलिटी है, और सच कहूँ तो शहर का कोई भी स्ट्रीट फूड या किसी भी बड़े रेस्टोरेंट का कोई फूड इन खानों का मुकाबला कर ही नहीं सकता, बिल्कुल देसी स्वाद, देसी स्टाइल, सब कुछ लाजवाब था, क्यों ध्रुव तुम क्या कहते हो? और ध्रुव अनन्या के चेहरे को प्यार से निहारता हुआ बोला, पता नहीं, मेरी नजर और ध्यान दोनों ही बस तुम पर थी। अचानक से सबके बीच में ध्रुव से ऐसी बातों की उम्मीद अनन्या को नहीं थी। अनन्या का चेहरा ध्रुव की बातों से लाल होने लगा था और सब अनन्या की तरफ तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। तारा बोली, ठीक है भाई, तो मैं तो जा रही हूँ घर के अंदर, तुम लोग भी देख लो अपना अपना, मुझे लगता है हमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। इतना कहकर तारा, विकी, छलावा और जुल्मी तीनों को देखती हुई ध्रुव अनन्या को देखने लगा और जुल्मी बोला, हम तो घर जा रहे हैं, बहुत देर हो गया है, हम पिछली रात भी अपने घर नहीं थे, आज अगर हम घर नहीं गए तो हमारी अम्मा हमको घर से निकाल ही देगी, हम तो चलते हैं। इतना कहकर जुल्मी अपने घर के लिए निकल गया और छलावा, विकी और तारा तीनों ही घर के अंदर आ गए। बाहर बगीचे में ही ध्रुव और अनन्या एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ध्रुव बोला, मुझे लगता है हमें भी चलना चाहिए। और अनन्या बोली, हम थोड़ी देर यहाँ बैठ नहीं सकते, देखो ना तारों से भरा हुआ आसमान कितना अच्छा लग रहा है, और उसके बीच में वो चमकता हुआ चांद, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे डायमंड्स के बीच में एक बड़ा सा डायमंड हो। इतना कहकर अनन्या वहीं बाहर लगे बेंच पर बैठकर बड़े प्यार से ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी, और ध्रुव बस अनन्या के बगल में बैठा हुआ उसे निहार रहा था। अनन्या आसमान की तरफ देखती हुई बोली, वो देख रहे हो, वो जो बड़ा सा तारा है उसके आसपास कितने सारे छोटे छोटे तारे हैं, बीच वाला जो बड़ा सा तारा है ना वो तुम हो, और उसके आसपास इतने छोटे छोटे तारे वो सब हम सब है, मैं, विकी, तारा, छलावा, जुल्मी, जिनकी खूबसूरती ना तुमसे बढ़ती है। ध्रुव मुस्कुराकर अपनी गर्दन झुकाकर हंसता हुआ बोला,
और तुम्हें कैसे पता कि उन छोटे तारों में तुम हो? तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? और अनन्या सवालिया नजरों से ध्रुव की तरफ देखने लगी और ध्रुव ने अनन्या का हाथ पकड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ करते हुए कहा, वो देखो बड़े तारे के ठीक बगल में, छोटे छोटे तारों के बाहर एक और तारा है जो बड़े तारे से भी ज्यादा चमकदार है। तुम वो, उस तारे की रोशनी से उसके आसपास के सारे छोटे बड़े सभी तारे खूबसूरत लगते हैं। और ध्रुव की बात पर अनन्या मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा लेकिन मुझे तो लगा कि तुम मुझे चांद से कंपेयर करोगे। और ध्रुव हंसता हुआ बोला, चांद में तो हर कोई अपनी महबूबा, मेरा मतलब है अपने खास, मेरा मतलब है। और अनन्या ध्रुव की आंखों में देखती हुई बोली, तुम्हारा क्या मतलब है ध्रुव? हर बार सिर्फ तुम अपना मतलब बताते रहते हो लेकिन कभी ये नहीं बताते कि तुम्हारा मतलब क्या है। सच कहूं, मैं इतने उतार चढ़ाव से गुजर गई हूं ना, अब मुझे कुछ सुकून चाहिए, कुछ ऐसा जिससे कि मुझे ये सारी चीजें भूलकर एक खुशी महसूस हो। मैं वो खुशी महसूस करना चाहती हूँ और तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अनन्या की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो ध्रुव चुप हो गया और फिर अनन्या की तरफ देखकर सीरियस होता हुआ बोला, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ अनन्या तुम क्या कह रही हो, और तुम भी जानती हो जो तुम सुनना चाहती हो वो बिना कहे ही हमने एक दूसरे से कई बार कहा है, या शायद हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके बाद हम अपनी छोटी सी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं पाली इसीलिए तो आया था कि यहाँ आकर भीड़ भाड़ से दूर अपने पर्सनल टेंशन को छोड़कर हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो सब हुआ, उसके बाद अगर मैं तुमसे कुछ भी कहता हूँ या तुम मुझसे कुछ भी कहती हो तो वो कहीं ना कहीं तो धुंधला पड़ जाता है, हम वो खुशी चाहकर भी महसूस नहीं कर सकते। और अनन्या इमोशनल होकर बोली, तुम जानते हो ना ध्रुव, जो कुछ भी हुआ है उन सब में कहीं ना कहीं गलती हमारी ही थी, हम हर तरीके से उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ध्रुव, चीजों को जब सही होना होगा तब वो होंगी, उसके लिए हम अपनी फीलिंग्स दबा तो नहीं सकते ना, और आखिर कब तक दबाएंगे? हम दोनों ही जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या मैटर करते हैं। हम क्या, हमारे आसपास के लोग जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या है? तो फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही क्यों बाकी रह जाए? तुम जानते हो इतने दिनों बाद आज हम सब ने इतना एंजॉय किया, सब कुछ किया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा वक्त बिताया। सच कहूं तो उस वक्त में ना मैं बिल्कुल ही भूल गई कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्लीज ध्रुव, अब देर मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं और वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। तुम बताओ, क्या तुम्हें मुझे सुमेर के करीब देखकर बुरा नहीं लगा था? क्या तुम्हें अफसोस नहीं था कि तुमने सही वक्त में मुझसे बात क्यों नहीं की? तो क्या तुम्हें अब नहीं लगता कि अब जब सब सही है तो हमें बात करनी चाहिए? ध्रुव इनकार करता हुआ बोला, नहीं अनन्या, मुझे नहीं लगता। इतना कहकर उसने अनन्या के गाल पर प्यार से थपकी दी और वहां से चला गया। जाते जाते ध्रुव अनन्या को पीछे पलट कर देखता हुआ अपने मन में बोला, तुम नहीं जानती हो अनन्या, यहाँ चीजें कितनी गंभीर हो गई है, बहुत जल्द आर पार की जंग होगी, उसमें क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता है। मैं तुम में से किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता क्योंकि तुम सबकी फैमिली है, विक्की की माँ है, तुम्हारी फैमिली है, पर मेरा तो कोई नहीं है, इसलिए मैं इसमें खुद को दाव पर लगा लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो रीजन भी है कि उसने मेरे पापा को छीना है, और जंग में शामिल हो जाऊंगा। अगर सब ठीक रहा तो फिर मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करूंगा, मैं सीधा तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। तब तक हम दोनों के अंदर जो एक दूसरे के लिए फीलिंग है ना, वो बहुत है। हमारा ये अनकहा रिश्ता शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत है। इतना कहकर ध्रुव घर के भीतर चला गया और अनन्या वहीं बैठी आंखों में आंसू लिए जाते ध्रुव को देखती रही। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद अनन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और उठकर घर की तरफ, जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, उसे अपने पीछे बड़ी तेजी से पायल की झनकार सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी तेजी से उसके पीछे से गुजरा है। अनन्या ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसे एक काला साया नजर आया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। अनन्या ये देखकर अपने कदम पीछे खींच रही थी और वो साया अनन्या के नजदीक आता जा रहा था।